अपडेट देता हूँ। हाँ जी, रक्षाबंधन कैसे मनाई मैंने? ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाकर सब मतलब ही निकलते हैं लास्ट में, कोई सा हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो भाई लोगों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं आज के एक नई वीडियो की। जी हाँ, काफी दिनों बाद आ रहा हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। आप नाराज हो गए क्या? ना नहीं नाराज हो? हाँ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है चलो, बीच में मैं एक दो जगह गया भी था, ऑफिशियल टूर थे वो सारे, इस वजह से मैंने वीडियो वगैरह बनाई नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम आपको अगर वैसी वीडियो देखनी हो तो बता दो, मैं बना लिया करूँगा। लेकिन मैं उसमें आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा ना, अभी कहाँ जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको रोड्स देखनी है, बाकी सब कुछ देखना है तो आप चलिएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, फिलहाल रोड्स के मज़े लीजिए। दोपहर हो रही है, गर्मी, धूप चिलचिलाती हुई निकली हुई है। बताते हैं फिर आगे आपको कहाँ जा रहे हैं। भाई लोगों, फाइनली पहुंच चुका हूं। जी हां, बदरपुर बॉर्डर। और आप सभी सोच रहे हो कि जा कर रहा हूं, शिवानी गई हुई थी अपने घर पे एक दो दिन के लिए, और आरू भी साथ में उसके, तो अब मैं जा रहा हूं उनको लेने। जी हां, क्योंकि चले तो अपने आप गए थे मेट्रो से, वो काफ़ी दिनों से गई नहीं ना मेट्रो से, तो उनको चुल हो रही थी कि हम मेट्रो से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे। तो उस दिन मेट्रो से चले गए थे, अब मैं उनको लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेट्रो से आना बस की तो है नहीं उनके। ठीक है तो चलिए, फिलहाल ट्रैफिक क्यों हो रहा है, संडे वाले दिन लोग यार घर पे रहा करो, और भी लोग हैं जो संडे वाले दिन बाहर निकलते हैं, तुम तो घर पे रहा करो। भाई लोगों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, जी हाँ, मोहन कोऑपरेटिव, साउथ दिल्ली, बदरपुर, जैतपुर, मदनपुर, खादर, अलीगांव वाले, ये सब इसको क्या बोलते हैं, साउथ दिल्ली। बाहर कहीं जाएंगे कहाँ? हाँ, हम साउथ दिल्ली में रहते हैं, ये नहीं बताएंगे कि बदरपुर में रहते हैं, जैतपुर में रहते हैं, मीठापुर में रहते हैं, हम साउथ दिल्ली में रहते हैं। तो आपका स्वागत है साउथ दिल्ली के सबसे साउथ वाले हिस्से में। ठीक है चलते आगे, ट्रैफिक नॉर्मल है अभी तक, तो आराम से चलेंगे, गाने सुनते हुए मजे आ रहे हैं। तो भाई लोगों, फाइनली दिल्ली के ट्रैफिक को चीरते फाड़ते हुए कहाँ पहुंच चुका हूँ, आश्रम के आसपास पहुंच चुका हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से और टाइम लगेगा, कम से कम 20-25 मिनट लगने वाले हैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ डेस्टिनेशन ससुराल जा रहा हूँ। ठीक है, और मेन कारण ये भी है जाने का वहाँ पे, कि रक्षाबंधन आने वाली है ना, तो शिवानी गई थी अभी अपने घर पे रक्षाबंधन मनाने के लिए, और आपको मैं बता देता हूँ मैं कैसे मनाता हूँ अपना रक्षाबंधन। जी हाँ, मैं और आरू मिल के मनाते हैं रक्षाबंधन। आरू मुझे हर साल राखी बांधती है, और इस साल उसकी जो डिमांड है ना, वो अभी मांग रही है इयररिंग्स मेरे से। पहले ही उसने मेरे को अपनी लिस्ट दे दी है, कह दिया पापा मेरे को इयररिंग्स चाहिए, इयररिंग्स चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो उसके इयररिंग्स हमने लिए थे ना कैरेट लेन से,
उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, कॉस्टली थे काफी, ठीक थे, लेकिन उसका जो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी था एक्चुअली में। क्या उनकी जो डंडियां थी वो काफी लंबी थी, वो उसके कान में बैंड हो रही हैं, और फिर वो हल्के भी थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं रिप्लेस करा देते हैं, देखो मौका चाहिए कुछ ना कुछ, अब रक्षाबंधन है उसको गिफ्ट तो देना ही है, तो उसके बदले में उसके इयररिंग दिलवा देंगे, ठीक है, जो भी उसको पसंद आएंगे या जो बढ़िया लगेंगे उस हिसाब से उसको दिलवा देते हैं। जी हाँ, अब आप सब सोच रहे होगे कि भाई मैं और आरुही क्यों रक्षाबंधन मनाते हैं, मेरी बहनें नहीं हैं। जी मेरी दो बहनें हैं, और कभी कभी जो है ना दिलों के फासले ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें आप किलोमीटर्स में नहीं नाप सकते, तो वो वाले फासलों में वो रहते हैं, मैं भी उनको बोलता नहीं क्योंकि वो अपनी लाइफ में यार खुश हैं, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। और मेरे पास राखी बांधने के लिए मेरी बेटी है, आराम से राखी बांधती है, और मैं उसी में खुश हूँ यार, समझे, क्या फ़ायदा ज़्यादा रिश्तेदारी बढ़ाकर, सब मतलब ही निकलते हैं लास्ट में, कोई सा ऐसा नहीं है जो बुरे वक्त में आपके काम आ जाए, और ये तो सारी आजमाई हुई चीज़ें हैं यार, अब मैं डिटेल में क्या बताना, छोड़ो आप सभी सोचोगे क्या डिटेल की बातें लेके बैठ गया, चलो फिलहाल आगे चलते हैं, आपको अपडेट मैं देता हूँ जो रैपिड मेट्रो का काम चल रहा है कितना हो चुका है, सराय काले खां पहुँचने वाले हैं ना भाइयों, फाइनली हम पहुँच गए हैं सराय काले खां, और ये आप ऊपर जो देख रहे हो ना पिलर कैप का काम चल रहा है, ये मुंबई एक्सप्रेस वे का पार्ट है। जी हाँ, जो मुंबई एक्सप्रेस वे की जो लिंक रोड है जो सोना से दिल्ली तक है, फरीदाबाद होकर जो आती है ना, जिस मैंने पहले भी अपने वीडियो में दिखाया, ये वही लिंक रोड है, वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ये उसी के पिलर्स वगैरह का काम चल रहा है। और उधर तो मुझे लगता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कितना काम हो चुका है, अभी उसके बाद कोई ऐसी अपडेट तो है नहीं उस रोड पर, उतना ही बना हुआ है लिंक रोड जितना पहले बना हुआ था, ठीक है। और ये सामने आप जो मेरे देख रहे हैं ना, ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये जो स्टेशन है रैपिड मेट्रो का, ये इसके भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से काम जो है वो फिनिशिंग की तरफ ही है, पिलर वगैरह सारे बन गए हैं, बस उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये रेडी हो जाएगा। और ये आप देख रहे हो इसका डिज़ाइन, ये रिंग टाइप का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बनाया गया है इसके ऊपर, ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया हुआ है, मेरे को तो काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में। अब जैसे जैसे इसका काम फिनिश होता रहेगा ना, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आने लगेगा कि किस तरीके से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है ये प्रोजेक्ट। G20 की तैयारी में क्या सुंदर सजाया हुआ है, देख रहे हो क्या भाई साहब, इतना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। हाँ जी, अपने देश की राजधानी है, अपनी दिल्ली है, G20 की वजह से सजाया गया है। और आप सबको शायद न्यूज़ मिल भी गई होगी कि 7 तारीख को रात के बाद से 8, 9, 10 को G20 समिट है, जिसकी वजह से दिल्ली में सारे स्कूल ऑफिस बंद है, छुट्टी दी हुई है, सिक्योरिटी रीज़न है यार, और पब्लिक यार मानती भी नहीं है, वो हमने देखा हुआ है लास्ट टाइम, जब भी कोई बाहर से कोई ना कोई मेहमान आता है ना तो फिर हल्लड़ हुल्लड़ ज़्यादा हो जाता है ना। चलो गवर्नमेंट ने अच्छा करा है, छुट्टियाँ दे दी, जिनको ज़्यादा हल्लड़ हुल्लड़ मचाना है जाके घूमी आए बाहर, यहाँ पे दिल्ली में यार बेइज्जती मत करवाओ, समझे। और ये अपना तिरंगा शान से लहरा रहा है, मैं तो कहूँ ऐसे ही लहराता रहे। चंद्रयान 3, जी हाँ, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो जो हम सोचते हैं वो हम करके दिखाते हैं, समझे, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो सकता है बंदा, दो बार फेल हो सकता है, 3 बार फेल हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए ना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। Hey।
भाई लोगों, फिलहाल अपडेट क्या है? जी हाँ, अपडेट ये है कि मजनू का टीला पहुंच चुका हूं मैं, और यहां पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। पिछले 5-10 मिनट से तो यहीं फंसा हुआ हूं, नींद भी आने लगी है, अब भूख लग रही है अलग। रास्ते में कुछ खाया नहीं मैंने, सोचा वहीं जाके खा लूँगा। सुबह ब्रेकफास्ट किया था चाय और ब्रेड का, और अब टाइम हो गया 2। पेट में जो चूहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? तांडव कर रहे हैं, तांडव। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं यार क्यों ट्रैफिक लगता है। अब तो रेड लाइट भी बंद कर दी इन्होंने, मतलब चौक बंद ही कर दिया मजनू के टीले वाला, फिर भी ट्रैफिक लगा रहता है यहाँ पे हर टाइम पता नहीं क्यों। बात करनी पड़ेगी मुझे नितिन गडकरी से, है ना भाई? यहाँ के लोगों की ज़िंदगी तो आधी ट्रैफिक में निकल जाएगी, जबकि ऐसा भी नहीं है कि चलो कुछ ना कुछ हो, नॉर्मली ट्रैफिक ही रहता है यहाँ पे। कभी भी आ जाओ, दिन में आ जाओ, रात में आ जाओ। चलो ट्रैफिक क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। The next day. हाँ जी भाई लोगों, फाइनली आज नेक्स्ट डे है। आ गया था मैं रात को, काफ़ी लेट हो गया था ससुराल से आने में, तो फिर मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग करी नहीं, और आज भी सुबह ऑफिस के लिए निकल गया था, अब फ्री हुआ हूँ, तो मैंने कहा आपको अपडेट देता हूँ। हाँ जी, रक्षाबंधन कैसे मनाई मैंने आपको एक टाइम लैप्स में मैं सारा डिटेल में दिखाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको पूरी मस्ती देखनी है रक्षाबंधन वाली, तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही है, वहाँ पे जाके फॉलो करो। वहाँ पे जो रील्स हैं, जो वीडियो डली हुई हैं भाई, वो आपको इस वाली वीडियो में नहीं मिलेंगे। उसका हाँ एक ट्रीजर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। एंजॉय करिए टाइम लैप्स को। हाँ जी, कैसा लगा आपको हमारा सेलिब्रेशन, मेरा और आरू का रक्षाबंधन का? जी हाँ, इसी तरह हम हंसते खेलते हुए अपना रक्षाबंधन मना लेते हैं, ठीक है। और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, काफ़ी लंबा हो रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट अपना चैनल मोनिटाइज हो जाए। फिर नई ट्रिप मैंने प्लान करी हुई है यार, एक तो ऑफिस की वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा ना। चलो अगले ब्लॉग में बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं।